कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाने जाने वाला ये खूबसूरत शहर पुणे अपनी रिच हिस्ट्री, एजुकेशन और वाइब्रेंट ट्रेडिशन के लिए फेमस है। ये शहर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहलाता है क्योंकि यहाँ काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं। शहाद्री माउंटेन्स के बीच बसा हुआ पुणे मॉडर्निटी और हिस्टोरिकल चार्म का एक परफेक्ट ब्लेंड है। पुणे मराठा एम्पायर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और आज भी इस शहर के आर्किटेक्चर और कल्चर में इनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। पुणे का फूड, नियर हिल स्टेशन और वाइब्रेंट फेस्टिवल इस शहर को यूनिक बनाते हैं। चाहे आपको हिस्ट्री पसंद हो, कल्चरल एक्सपीरियंस चाहिए हो या मॉडर्न अर्बन वाइब, पुणे में सब कुछ आपको मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में हम पुणे की कुछ फेमस चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सोलह में बना ये खूबसूरत लाल महल जिसे देखने के लिए हम आ चुके हैं, इसका जो निर्माण था वो शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले जी ने अपने परिवार के रहने के लिए करवाया था। तो यहीं पर शिवाजी ने अपना पूरा बचपन बिताया था। सहिस्ता खान पर उनकी जो फेमस रेड है वो भी यहीं से जुड़ी हुई है। आज का जो हम ये लाल महल देखते हैं ये एक रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन है। तो इसमें आपको जो देखने को मिलता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं शिवाजी से जुड़ी हुई, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई। उसके अलावा आपको यहाँ जीजाबाई जो कि उनकी माता जी हैं उनकी प्रतिमा भी दिखाई देती है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं और स्पेशली आप मराठा हिस्ट्री लवर हैं तो ये आपको मस्ट विजिट प्लेस है जिसमें आपको जानने का मौका मिलेगा महाराज शिवाजी के बारे में। सो नेक्स्ट हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा जो कि पुणे का एक हिस्टोरिकल फोर्ट है और ये लाल महल के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। इसकी ग्रैंड एंट्री जो है, एंट्रेंस जो है वो बहुत ही कमाल की है। अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका ये दरवाजा है और इसका जो निर्माण करवाया था वो 1732 में बाजीराव फर्स्ट ने, यानी कि मराठा एम्पायर के जो पहले पेशवा थे उन्होंने करवाया था। शनिवार वाड़ा मराठा शान और पावर का प्रतीक था और मराठा एम्पायर का पॉलिटिकल सेंटर भी यही था। 1828 में एक बहुत बड़ी आग यहाँ पर लगी थी जिसका पता आज तक नहीं लगा कि किस वजह से वो आग लगी और उसी में इसका काफी बड़ा हिस्सा जल गया। बुरी तरह से जलने के बावजूद भी आज भी इसकी दीवारें, आज भी इसकी ग्रैंड एंट्रेंस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोग यहाँ पर दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, जानने के लिए आते हैं मराठा हिस्ट्री को। इसके आर्किटेक्चर और इसका इतिहास एक अहम हिस्सा है जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके अंदर आपको बहुत ही ग्रीनरी भी देखने को मिलती है। ये है शनिवार वाड़ा का एक ऐतिहासिक दरवाजा जो कि है नारायण दरवाजा। 1773 में जब नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के पैलेस में, तो इसी दरवाजे से उनका शव ले जाया गया था और इसीलिए इसे नारायण दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं दंगलू सेठ हलवाई टेम्पल में और इसमें आपको देखने को मिलती है गणपति आइडल। काफी बड़ा और काफी शानदार, काफी सुंदर वो आइडल आपको देखने को यहाँ मिलता है, दर्शन करने को मिलता है। और ये मंदिर हमेशा ही यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती है और खास करके गणपति के टाइम में यहाँ लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए। गणपति का फेस्टिवल यहाँ पर बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1893 में हुआ था। दंगलू सेठ ने अपने बेटे के निधन के बाद अपने और अपने परिवार की शांति के लिए ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। इसी मंदिर के अपोजिट साइड में गर्ल्स का फर्स्ट स्कूल खोला गया था जो कि पुणे के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। अब हम आ चुके हैं पुणे के प्राचीन केव मंदिर में, यानी कि पातालेश्वर टेम्पल में, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक रॉक कट टेम्पल है और ये काफी हद तक सिमिलर है एलोरा केव से। भगवान शिव को समर्पित ये एक खूबसूरत मंदिर एक ही पत्थर से तराशा गया है।
मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन करते हैं हम, और ये मंदिर कैलाश के पार्वती और शिव जी के विश्राम स्थान का भी प्रतीक है। अब हम आ चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक आगा खान पैलेस में। 1892 में आगा खान तृतीय ने इसको बनवाया था। इस पैलेस का निर्माण एज अ चैरिटेबल एक्ट करवाया गया था। ये महल खूबसूरत आर्किटेक्चर और बड़े लॉन्स के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तब आया जब महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उनके सहयोगी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ हाउस अरेस्ट हो गए, तो उस समय में ये पैलेस एक जेल के रूप में कन्वर्ट हो गया था। कैद के दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का यही देहांत भी हुआ, जिनकी समाधि इस पैलेस के अंदर ही स्थापित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अहम प्रतीक है, जो कि आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो पब्लिक के लिए ओपन रहता है, जिसमें हमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीजें और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं पुणे का एकमात्र जैपनीज स्टाइल गार्डन, योकोहामा फ्रेंडशिप गार्डन, जो कि जापान के ही एक फेमस गार्डन से इंस्पायर्ड है, और साथ ही ये इंडिया और जापान की दोस्ती का भी सिंबल है। ये फुल ऑफ ग्रीनरी से भरा हुआ खूबसूरत पार्क एक काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फाउंटेन्स, जगह जगह पर पॉन्ड्स, ग्रीनरी, ब्रिज और पाथवे देखने को मिलते हैं, और ये सभी मिलकर एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पार्क में जैपनीज स्टाइल लैंडस्केपिंग, स्टोन ब्रिज और वॉकवे, शांत एटमोसफेयर, जो कि फैमिलीज और नेचर लवर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, सो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं पुणे जू, जहां आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, रेप्टाइल्स एंड बहुत कुछ देखने को मिलता है। जू के अंदर ही एक स्नेक पार्क भी बनाया गया है, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं पशान लेक। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो यहाँ पर आपको दिसंबर से मार्च के महीने में माइग्रेटेड बर्ड्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ बर्ड्स की देखने को मिलती है, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये लेक है। आर्टिफिशियल लेक है बट बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं स्वामी नारायण टेम्पल, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मंदिर का खूबसूरत आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें आपको इंट्रीग्रेट कर्विंग, ट्रेडिशनल डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। सफ़ेद मार्बल से बना ये खूबसूरत मंदिर जितना शांत और आध्यात्मिक माहौल देता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें आपको स्वामी नारायण के अलावा भगवान राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हम आ चुके हैं सारस बाग। यहाँ पर आपको लश्करी लॉन्स, वॉकिंग ट्रैक्स और शांत माहौल देखने को मिलता है, जो रिलैक्सिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पर लोग मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करने के लिए भी आते हैं। एक सुंदर तालाब के बीच में गणपति मंदिर है, जो कि सारस बाग गणपति के नाम से जाना जाता है। तो अभी हैं हम पार्वती हिल पर, जहां से पुणे सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर पार्वती टेंपल भी है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग एरिया यहां हमें देखने को मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत टाइम आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं ओशो तीर्थम पार्क में, जो कि ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के पास ही है, और ये पार्क एक ब्यूटीफुल गार्डन है, जहां लश ग्रीन लॉन्स, वेल मेंटेन पाथवेज और वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं। पार्क की खासियत है कि उसकी पीसफुल एटमॉस्फेयर और नेचुरल ब्यूटी, जो विजिटर को रिलैक्स और मेडिटेशन के लिए एक परफेक्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। एक बड़े एरिया में फैले होने के कारण रोड के लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही साइड में ये पार्क है, और पार्क के अंदर आपको ओशो तीर्थ जी का ये आइडल भी देखने को मिलता है।
मॉर्निंग में इवनिंग में यहाँ पर लोग वॉक के लिए भी आते हैं, आप यहाँ फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। सो इतना खूबसूरत पुणे शहर आप कब एक्सप्लोर कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किन किन जगहों पर ऑलरेडी विजिट कर रखा है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पुणे के नियर कुछ बहुत ही खूबसूरत जगह है जिनकी वीडियोज भी मेरे चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।